इस उम्र में भी ये तो पता नहीं दवाई कौन सी खा रही है, चेक करनी अब ये जांच का विषय है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा की डाइट क्या है और क्या खाते हैं और क्या इनमें इतने पानी का असर है वो तो नहीं नहीं वो पीने की भी जांच हम करवाएंगे भाई, जो उम्र है ना उसे 25 साल कम कर दो। ये जवान बहुत परेशान है डॉक्टर साहब को देख देख के, ये है क्या भला, हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी डॉक्टर साहब में इतना ही दम था, आज भी उतना ही दम, तो हम तो दूर से देखते थे, तो इसलिए ये मैं कह मंत्री जी यहीं होकर पढ़ने जाते थे तो मेरा धरना चलता था। मैं मेरे बड़े बड़े भाई करण सिंह जी वो मेरे को लेके जा रहे, वो भी मेरे से 4-5 साल ही बड़े, तो हम दोनों खड़े खड़े साइड से मुझे कहते हो वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, करण सिंह जी बताते वो बहुत बोल्ड आदमी है, वो ये डॉक्टर बहुत कम है, तने भी यही बनना है, जो मरते मरते बचे नया जीवन दिया है भगवान ने और ये जीवन आपके लिए लगा रहा है अगला आदमी, कोई आदमी नहीं लगा सकता, क्योंकि उस वक्त ये बच गए इनसे पूछ लेना कभी, ये बात किसी को पता नहीं। मुझे भैरव सिंह जी ने कहा कि डॉक्टर में टाइम पर भूखो यार डॉक्टर मर जाता, अमेरिका भेजा इलाज के लिए, तो ये बात मुझे आज इन्होंने बताई अमेरिका और भेजा भैरव सिंह, पुलिस लाठीचार्ज में किसी MLA रहते हुए किसी के चोट लगी वो तो डॉक्टर साहब के लिए बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सही आदमी पकड़ा, डॉक्टर साहब को कहीं भी सिविल लाइन्स में नहीं रोका जाएगा, मैं खुद आज कमिश्नर साहब से बात करूंगा, डॉक्टर साहब एकमात्र ऐसे नेता भी इतनी भीड़ लेकर आए हुआ और मानदेय वाले पे भी मैं सहमत हूँ, समझ गए, अब उसको कैसे करना है वो मैं CM से बात कर चुका हूँ, दोबारा CM साहब से रिक्वेस्ट करके मुझे कुछ भी करना पड़े कोशिश ये रहेगी, आपको हक में एक आप ये एक तो आप हो गए एक आप दो जने आज नहीं तो कल हो सकता है, आज रख लूं मैं मीटिंग, आपका नाम क्या नंबर नंबर तो लिखो, अच्छा दिनेश जी का नंबर, ओके दिनेश खंडेलवाल जी का नंबर है, ये डिंपल को अच्छा ये तो एक ही यूनियन है यार, ये तो एक ही बात है, ये डन डन ये चारों को बुला लूं, बोलो चार डन हो गए, डॉक्टर साहब ने चार का कहा चारों आ जाएंगे और एक कैलाश जी को बुला लेंगे जयपुर से, जानते हो वाले पांच जने ये डन हो गया, पांच जने हमारी मीटिंग में रहेंगे जिसमें मेरा पूरा डिपार्टमेंट रहेगा, मैं रहूंगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से जो मांगे पूरी कर चुका हूं वो तो सारी क्लियर हो जाएगी और मानदेय वाले पे भी मैं सहमत हूं, समझ गए, अब उसको कैसे करना है वो मैं CM से बात कर चुका हूं, दोबारा CM साहब से रिक्वेस्ट करके मुझे कुछ भी करना पड़े कोशिश ये रहेगी, आपको हक में एक आपको अभी मैंने डिंपल को भी समझाया, डॉक्टर साहब तो बड़े भाई है, मैं इनको समझा दूंगा, रिक्वेस्ट कर लूंगा अभी अपने को आंदोलन के रास्ते पर नहीं जाना, क्योंकि जो काम में डॉक्टर साहब के पास आके जब भलाई का काम होता है तो ये भी फिर पार्टी नहीं देखते, आंदोलन करते हैं, ये तो ना पूछते हैं तू BJP का कांग्रेस का, कई बच्चियों के लिए इन्होंने माथा बोड़ी की, अधिकारी सस्पेंड कराए, मैंने उस दिन देख रहा था इनको उस पर सोशल मीडिया पे, कोई बच्ची का मामला था जाके बैठ गए थाने, भाई साहब बैठना आसान है क्या, ये रिस्की तो है ही इस उम्र में भी, ये तो पता नहीं दवाई कौन सी खा रही है, चेक करनी अब ये जांच का विषय है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा की डाइट क्या है और क्या खाते हैं और क्या इनमें इतने पानी का असर है वो तो नहीं नहीं वो पीने की भी जांच हम करवाएंगे, खाने की पीने की ये जांच डॉक्टर साहब की इसलिए जरूरी है कि ये अभी जवानों पर भारी पड़ रहे हैं, इनकी उम्र से ये 25 साल कम चल रहे हैं भाई, जो उम्र है ना उसे 25 साल कम कर दो, ये जवान बहुत परेशान है डॉक्टर साहब को देख देख के, ये है क्या भला, हम स्कूल में पढ़ते थे तब भी डॉक्टर साहब में इतना ही दम था, आज भी उतना ही दम है, तो हम तो दूर से देखते थे, तो इसलिए ये मैं कह मंत्री जी यहीं होकर पढ़ने जाते थे तो मेरा धरना चलता था, ये जो सीमेंट फैक्ट्री वाला आंदोलन हुआ ना सब मेरे पास हरे रंग की साइकिल थी, मेरे फादर ठाकुर साहब लक्ष्मण सिंह जी ने वो दिलाई मेरे को हरी वाली, तो वो बैग वैग लगा रहता, मैं मेरे बड़े भाई करण सिंह जी वो मेरे को लेके जा रहे, वो भी मेरे से 4-5 साल ही बड़े, तो हम दोनों खड़े खड़े साइड से मुझे कहते हो वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, करण सिंह जी बताते हो वो बहुत बोल्ड आदमी है, वो ये डॉक्टर बहुत कम है, तने भी यही बनना है, अब मन लाख को डर मेरा तो वो डॉक्टर साहब की तरह बनने के लिए मुझे कहते यार डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का तन बनना है, और डॉक्टर साहब पतले दुबले बिल्कुल फिट आर ये काले बाल अलग ही दिखते थे, डॉक्टर और थे, डॉक्टर थे वास्तव में डॉक्टर थे, तो मैंने पता किया बाद में, बोले हाँ साहब डॉक्टर है इलाज करते हैं और ये अकेले आदमी है,
जिन्होंने एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी से एमएलए रहते थे, जब उसने इनके साथ बदतमीजी की तो इन्होंने बदतमीजी की, फिर भैरव सिंह जी इनके इतनी लगी कि भैरव सिंह जी खुद इनको वहां लेने गए और लेकर आए। वो घटनाएं मुझे, मेरे को अखबार पढ़ने का शौक है, पूरी याद है। ये तो मरते मरते बचे, नया जीवन दिया है भगवान ने और ये जीवन आपके लिए लगा रहा अगला आदमी, कोई आदमी नहीं लगा सकता। क्योंकि उस वक्त ये बच गए, इनसे पूछ लेना कभी, ये बात किसी को पता नहीं। मुझे भैरव सिंह जी ने कहा कि डॉक्टर में टाइम पर पूछ गयो यार, डॉक्टर मर जाते, अमेरिका भेजा था, अमेरिका भेजा इलाज के लिए। तो ये बात मुझे आज इन्होंने बताई, अमेरिका और भेजा भैरव सिंह जी, तो वो बच गई, भगवान बचाता है। ये कोई पुण्याई थी जो काम आई नहीं, इतनी लगी पुलिस के लाठीचार्ज में। आज तक सबसे ज्यादा पुलिस लाठीचार्ज में किसी एमएलए रहते हुए किसी के चोट लगी है, वो तो डाक साहब के लगी, बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सही आदमी पकड़ा, डाक साहब को कहीं भी सिविल लाइन्स में नहीं रोका जाएगा। मैं खुद आज कमिश्नर साहब से बात करूंगा, डाक साहब एकमात्र ऐसे नेता भी इतनी भीड़ लेकर आए वहाँ, और डाक साहब ने भीड़ को खुद ने धरना दिया और वहां से वापस भेज दिया। जब पेपर लीक वाले पे इन्होंने प्रदर्शन किया तो इनके 7 लाखों आदमी थे, और वो यदि इनको जयपुर का माहौल बिगाड़ना हो तो ये बैठ जाए और कि आते जाओ तो पूरा रास्ता इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ये माहौल नहीं बिगाड़, ये आंदोलन को समझते हैं कितनी देर भीड़ को रखना है, इन्होंने वापस भेज दिया। तो ये जो कला हर किसी में नहीं, और मैं तो सब आंदोलनकारियों से कहता हूं, तो जिससे पब्लिक को परेशानी, इन्होंने भेज दिया, नहीं तो रास्ता ही जाम रहता, कौन हटा दे। इन्होंने कभी डाक साहब ने ये काम नहीं किया कि ट्रेन को, बस को, रास्ते को रोक कर जयपुर वालों को परेशानी दे, कभी नहीं। इन्होंने एक बार ये धरना वो प्रदर्शन किया मानसरोवर स्टेडियम, तो मैंने इनसे पूछा मैं वहां क्यों, बोले यार बीच में करूंगा तो जाम लग जाएगा, परेशान, मैं तो धक्का दे के आ जाऊं, पुलिस को हाथ तो जाए, ये फिर कंट्रोल कौन करे भीड़ को। एकमात्र आंदोलन जो लठ लेके दे रहे एक दिन आंदोलनकारियों, कह रहे रुक, क्योंकि वो मान नहीं रहे होंगे, तो ये नीचे उतर के लाठी लेके उनको शांत कराए। भैया आदमी ठीक पकड़ा है, चिंता मत करो, ये भी मेरे भाई हैं, इस मामले को कोई कांग्रेस सच के, आप चिंता मत करो, आपके काम के लिए बात करेंगे। ये भी मैं जानता हूँ राशन डीलर की हालत बहुत खराब है, ये मुझे पता। दो आदमी तय हो जाओ, एक तो ये आएंगे, और ये जो मामले हैं और जो आपके जो काम हो गए उस पे भी, जैसे डिंपल ने कल मेरे से कहा और कैलाश जी, आपने तो ऑर्डर कर दिए, एक कमेटी भी बना दी है मैंने, लेकिन ना वो कमेटी वाले और वो अधिकारी तो जैसे हैं वैसे ही हैं। राज चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, सब कुछ सुधर सकता है, लेकिन सिस्टम सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को बहुत जिद्दी बनना पड़ेगा। जिद क्या हो रहा है इस देश में, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने पावर सेंट्रलाइज कर, उससे लोकतंत्र कमजोर हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब आज ये एमपी साहब है, कौन है ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक्स मिनिस्टर है, एक्स एमएलए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं निकले और ट्रेन में आ रहा और कोई अन्याय लगे जुल्म में, तो उसको ये पावर मिले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो डिसीजन करे और वो लागू। और लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए, वो किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको अपने विधानसभा क्षेत्र में गलत हो रहा है, करप्शन हो रहा है, तो उसमें वो तुरंत उसको सस्पेंड करने की पावर, तो लोकतंत्र लागू हो जाएगा। लोकतंत्र लागू कहां से हो, लोकतंत्र चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो, वो ये कहते हैं हमारी तो पूरी चलेगी, लेकिन जिन्होंने हमको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है उन एमएलए और एमपी की नहीं चलेगी, तो भाई साहब फिर लोकतंत्र कैसे लागू होगा। इस राज में चल रही है एमएलए, चल रही है, जो चल रही है। वो तो देखो आप डाक साहब हमारे बड़े भाई, लेकिन डाक साहब दूसरी जगह, लेकिन उतनी चलनी चाहिए, मेरा मानना चाहिए कांग्रेस का राज हो चाहे कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करता है। कलेक्टर साहब को जो हमने एप्लीकेशन दी उसकी कोई पालन नहीं। आपकी बहुत ज्यादा शिकायत मेरे पास है, एक तो कोई भी राशन डीलर आ जाए, कोई भी आम आदमी आ जाए, आप डीएसओ हो तो डीएसओ का मतलब ये होता है पब्लिक से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, किसी भी कीमत पर। अब मेरे पास शिकायत आई मैं सस्पेंड करूंगा, आप पब्लिक को धक्का नहीं दे सकते, आप किसी राशन डीलर को धक्का नहीं दे सकते, किसी का मोबाइल नहीं छीन सकते, हमें उसका सम्मान करना है। पहले बात सुनिए, मेरे पास मिस्टर कोई भी अधिकारी आता है उसको सम्मान से बात करते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है उसको सम्मान से बात करोगे, शिकायत आएगी मैं आपको सस्पेंड करूंगा, चाहे वो कोई अधिकारी कर्मचारी हो, सम्मान से बात करना नागरिकों के साथ हमारी जिम्मेदारी, मैंने आपको कह दिया, कोई भी तरह से नहीं होगी अब कहीं भी।
और कोई भी बात है आप मुझे कल आके बताना सारा मामला क्या, गलत बात, बहुत शिकायत है, गलत बात। अब मेरे को आपके व्यवहार की शिकायत अच्छी मिलनी चाहिए, काम करना नहीं करना बाद की बात है, लेकिन पहले व्यवहार ऐसा हो कि वो आदमी खुश होकर जाए। ये लो, इसमें कोई वो नहीं, आप मुझे कह दोगे हम हटा देंगे। मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विधानसभा चालू हो गई, क्वेश्चन आओ जो महत्वपूर्ण समय होता है वो छोड़ के आपसे मिले और आपकी समस्या का पूरा भरोसा दिया। मेरे को विश्वास है कि राजपूती जबान ये खाली मिल जाएगी। बाद भी मंत्री जी कई बार मंत्री की सुनवाई नहीं, तो मंत्री जी की सुनवाई नहीं हुई तो फिर तो बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर आ ही सकते हैं आपके पास।